अभी हाल फिलहाल में एक कमेंट था कि बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन कौन से फूड्स इस्तेमाल करें, कौन कौन सी चीज़ें हम अपने खाने में बढ़ाएं जिससे हमारे बालों की हेल्थ बनी रहे, चाहे वो हमारे सर के बाल हैं या दाढ़ी के बाल हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताऊँगा, यहाँ पे जस्ट मैं आपको खाने की चीज़ें बताऊँगा कि आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मछली, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा चाहे वो नॉन वेज है। तो मछली आप ले सकते हैं इसमें, जो लोग मछली यूज़ करते हैं तो भाई वो अपनी मछली की मात्रा बढ़ा दीजिए, खुराक में आप उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी की मात्रा भी होती है और ओमेगा 3 भी होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगा, आपकी हार्ट की बीमारियों को भी ठीक करेगा। साथ साथ में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, एक्सेस में टूट रहे हैं, एक्सेस में सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करके चलेगा। तो अगर आप फिश का सेवन करते हैं तो आप भाई फिश अपने खाने में बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आप एग्स खा सकते हैं। एग के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोटीन होती है जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाल लगभग 60 से 70% प्रोटीन से ही बने हुए हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में हमेशा अंडे से या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादा मिलता है, जैसे दालों से भी ज़्यादा मिलता है। तो एग्स अगर आप खाते हैं तो प्रोटीन की मात्रा है आप उसमें ज़रूर लीजिए, ठीक है। एग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम आप उसको ले सकते हैं, जाड़ों का मौसम है तो। इसमें दोस्तों नट्स आप ले सकते हैं, खास करके जितने भी टाइप के नट्स होते हैं आप सारे ले लीजिए। आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, अगर आप बादाम खाते हैं तो भाई बादाम की मात्रा बढ़ा लीजिए, अखरोट खाते हैं अखरोट की मात्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी होती है, आयरन की मात्रा भी होती है और विटामिन ई की मात्रा भी आपको मिल जाएगी। आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं भाई क्योंकि महंगे आते हैं, तो आप सिंपली एक बादाम का पैकेट ले आइए, एक अखरोट का पैकेट ले आइए, सुबह में 4-5 बादाम आप खा लीजिए, चाहे भिगो के खा लीजिए या फिर ऐसे खा लीजिए, और शाम को आप जो है अखरोट खा लीजिए, 1-2 ग्री इसके आप खा लीजिए, ठीक है। दोनों बहुत हेल्पफुल हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है उनके अंदर और आयरन की मात्रा भी है, विटामिन ई भी है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ों को वो ठीक करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आता है मीठे आलू, इसमें शकरकंदी इसको बोला जाता है। तो मीठे आलू का जब सीजन चलता है उसको भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके बालों की हेल्थ को बना के चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सब्जी में आप सारी सब्जी खाइए, जैसे कि आप पालक जरूर खाइए, पालक के अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिनको खास करके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाए या फिर उनका हीमोग्लोबिन बार बार कम आता है तो उनको आयरन का सेवन जरूर करना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी पावर लो है उनको भी आयरन का सेवन जरूर करना चाहिए, पालक का सेवन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आप गाजर का सेवन आप जरूर कीजिए। गाजर का जब सीजन चलता है तो सुबह शाम आप कोशिश कीजिए 2-2 गाजर खाने की, 2 गाजर सुबह। आंवले का सीजन चलता है, आंवले भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं भाई उनको आप कर लीजिए, ठीक है। तो आंवला मैंने आपको इसमें बता दिया, आंवले का जब सीजन चलता है आप उसको तभी लाइए, वो तभी बेस्ट उसका काम रहेगा। सुबह में खाली पेट नमक लगा के आप उसको खा लीजिए। खाने में बालों के लिए भाई आप संतरे, अंगूर और अमरूद और सेब, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर विटामिन सी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो आप इनको लाएंगे, इनको यूज़ करेंगे तो आपके बालों की हेल्थ बनी रहेगी और वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। बाहर से ज़्यादा आप कलर मत कीजिए, बाहर से ज़्यादा आप उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप मत कीजिए, और बाहर से आप जो है बदल बदल के शैम्पूज यूज़ मत कीजिए, तेल यूज़ मत कीजिए, दूध वगैरह का आप सेवन जरूर कीजिए, ठीक है, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप रहेंगे और ये सारी चीज़ें बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे तो आपके बाल जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, जल्दी से नहीं टूटेंगे, क्योंकि बालों के लिए हेल्दी फूड्स है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।